मीनू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जीरा आलू। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या-क्या सामग्री चाहिए। जीरा आलू बनाने के लिए हमें चाहिए आलू 4 बड़े साइज के, और उसे हम काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हमें उबले हुए आलू चाहिए और उसे हम इस तरह काट लेंगे। 2 मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी, हल्दी और जीरा। जीरा 1.5 चम्मच चाहिए। जीरा इसमें ज़्यादा डालना होता है तो इसलिए हम जीरा ज़्यादा लेंगे। और तेल। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और तेल को गर्म करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए फिर हम उसमें जीरा डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी जब भुन जाए तब इसमें हम कटे हुए जो हमने आलू रखे हैं वो हम डालेंगे। और इसे हम अच्छे से भुनेंगे। इसमें थोड़ी सी कसूरी लाल मिर्च डाल दें, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर सुंदर आ जाए। ये देखिए इसमें कितने अच्छे रंग आ गए। अब यहाँ पे हम इसमें नमक डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। थोड़ा सा तब तक भुनेंगे इसे जब तक ये हल्का सा आलू क्रिस्पी ना हो जाए। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे दो हल्के हाथों से। इससे कसूरी मेथी का स्वाद आता है।
ये देखिए ये हमारा जीरा आलू रेडी हो गया। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये जीरा आलू बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।